तीरथ नामा जेतिस भावावण भाण के नाय करी जेतिस तो पाई वेखावण करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जब जी साहब दी पावन छेवीं पौड़ी देच कुछ बुनियादी धार्मिक विचारां दा जिक्र करदे ने प्रभु नू भा जाइए उनू चंगे लग जाइए तो सब कुछ प्रवान हो जांदा है पवित्र हो जांदा है जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार धुल जांदे ने। समूह धार्मिक साधना महज इस वास्ते है कि प्रभु नू भा जाइए। धार्मिक साधना दे प्राचीन समय तो यह भी एक साधना रही है तीर्थां दा रटन। ते तीर्थ दा अखरी अर्थ इन्ना ही है ओ तट जिथो मनुख दरिया नू पार करदा है नदी नू पार करदा है जिथो पार होण दा वसीला मिले ओ तीर्थ। भाव सागर तो पार होण दा जो वसीला जिस थां तो मिले जिथे प्रभु चिंतन जाग सके जिथे हिरदा पवित्र हो सके जिथे दैवी गुणा दी संपदा अंतर आत्मे दे च पैदा हो सके ओ अस्थान तीर्थ। चूंके दैवी गुणा दी संपदा दे नाल जन्मां जन्मांतरां दी मैल धुल जांदी है इस वास्ते इस संपदा नू जल कहिंदे ने भई इशनान हो गया और जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार धुल गए। बाहर पृथ्वी दे उत्ते अनेकां इस तरह दे तट ने तीर्थ ने जिथे बैठ के किसे वक्त संत जना ने जप कीता सी तप कीता सी प्रभु दी धुन गुंजार उचारण कीती सी। तो आदि काल तो एक ख्याल बनिया होया है और यह सही है कि जिस वक्त मनुख परमात्मा ने नाम दी धुन उचारण करदा है धुन दी सत्या पानी अपने आप विच आत्मसात कर लेंदा और मिट्टी भी आत्मसात कर लेंदी। जप दा ज्यादा प्रभाव कोल पए हुए पानी ते पैंदा है चाहे वह पानी नदी का होवे सरोवर का होवे चाहे किसी बर्तन विच पिया होवे। तदी ते असी देखदे हां कि पंज प्यारे जद पंज बाणियां दा पाठ करदे ने तो पानी अमृत बन जांदा है पानी बाणी नूं अपने आप विच आत्मसात कर लैंदा है अपने विच लीन कर लैंदा है। शब्द दीआं तरंगां नूं पानी अपने विच आत्मसात करन दी पूर्ण तौर ते समर्था रखदा है। इस तरह दे जल नूं इस तरह दे पानी नूं अमृत आख्या गया है। जिन्हां नदियां दे तट दे ते ऋषि मुनिया ने संत जना ने बहुत जप कीता है बहुत तप कीता है ते प्रभु नाम दी गुंजार ज्यादा उचारण कीती है ओ नदियां अज तक पूजनीक गिणियां गईयां ने और पूजियां जांदियां ने। महज मतलब इतना है कि उन्हां नदियां दे जल ने नाम नूं नाम दी धुन नूं शब्द नूं अपने आप विच आत्मसात कीता। दूसरा प्रभाव पैंदा है खाक ते मिट्टी ते। इस वास्ते आदि काल तो सत पुरशां दे चरणां दी खाक मस्तक ते लोक लांदे रहे ने और इहदे च सुख आनंद हासिल करदे रहे ने। ईरान दे एक प्रसिद्ध संत हाफिज दा कहना है
सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बेनी इब्तिदा ता इंतहा। जे तू आद तो लैके अंत तक वेखना चाहना है ता महापुरुषां दे चरणां दी खाक दा सुरमा बना, अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां दे छपा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, अंतर जामे पुरख बिधाते सरधा मन की पूरे। हे प्रभु, एक मेरे भी मन दी सरधा, एक मेरे भी मन दी मंग है, पूरन कर, बख्शिश कर, और ए सुख मैनू दे। केड़ा सुख थानू चाहिदा है? तो सतगुरु कहंदे ने, नानक दास अह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। हे अंतर आत्मा दी जानन वाले प्रभु, एक मेरी भी श्रद्धा पूर्ण कर, एक मेरी भी मंग पूरी कर। की मंग है, की चाहत है? नानक दास अह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। बस यही सुख मेरी झोली दे छपा, कि संत दे चरना दी खाक मैनू बना दे। संत दे चरना दी खाक प्राप्त होवे तो जपया होया नाम खाक आत्मसात कर लेंदी है। नाम दी गुंजार पानी अपने आप देच आत्मसात कर लेंदा है। पानी अमृत बन जांदा है, खाक ऐसा अक्सीर सुरमा बन जांदी है, जिस दे नाल लोक दी सच्चाई ते परलोक दी गहराई दिखाई देन लग पैंदी है। मेरे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इस पौड़ी विच प्रवान, कि हे प्रभु अकाल पुरख, धर्म दी सारी साधना इस वास्ते है कि तेनू असी भा जाइए, तेनू असी प्यारे लगिए। तो मैं तीर्थां दा इशनान ते ताई करां जे तेनू भा जावा। तीर्थ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाई करी। मैं इशनान करां ते तेनू चंगा ही ना लगा, मैं इशनान करां ते तेनू पावा ही ना, तो ऐसा इशनान ते व्यर्थ चला गया। ये तीर्थां दा रटन व्यर्थ चला गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा अग्गे फरमान, जेती सिरष्ट उपाई वेखा, विण करमा के मिले लई। पातशाह कहिंदे, जिथे तक मैं सृष्टि नूं वेखदा, तरह तरह दे पदार्थ ने इस विच, धन संपदा है, तरह तरह दे माल खजाने नाल ए सृष्टि भरी पई है, पर कर्मा तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं आउंदा। बस कर्मा दा मटका जितना होवे, संसार दे पदार्थां दे जल दे चों उतना ही जल प्राप्त होंदा। अपनी कर्मा दी मटकी वड्डी कर लईए, ज्यादा प्राप्त हो जांदा है। जगत ते पदार्थां दा सागर है, अनंत पदार्थ ने, जीवन मुक जांदा है, पदार्थ नहीं मुकदे। जिंदगी खत्म हो जांदी है, सुंदरता नहीं खत्म होंदी। जीवन दा अंत हो जांदा है, धन संपदा दा अंत नहीं होंदा। तो जगत विच बहुत कुछ है, लेकिन कर्मा दा मटका, कर्मा दी झोली जितनी होवे, वस्तु तां उतनी ही प्राप्त होंदी है। जेती सिष्ट उपाई वेखा, विण करमा कै मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुने। इत्थे मेरे पातशाह बड़ी बुनियादी गल करदे ने, जे सृष्टि विच बहुत कुछ है ता मनुख दी मत विच भी बहुत कुछ है। मनुख ने अजे बारों ही खोजे है। सागर दा सीना चीर के मनुख ने मोती लब्बे ने। पहाड़ां दी कुख दे चों
मनुख ने चांदी सोना हीरे जवाहरात लब्बे ने दरियावां दी खाक ते रेत दे चों मनुख ने नीलम मूंगे पन्ने लब्बे ने जिथे सृष्टि ए पहाड़ तरह तरह दे रतन जवाहरात नाल भरी पई है मनुख दी मत भी भरी हुई है मनुख दे मन दे च भी बहुत कुछ है मनुख दी बुद्धि दे च भी बहुत कुछ है पर खोज अजे बैरूनी है अजे बारों खोज खोज के मनुख थकया नहीं अजे अंतर आत्मे दी तरफ मुड़िया नहीं एक गल भी स्पष्ट हो गई है कि मनुख कुछ खोज रहा है बैठिया उठदिया चलदिया सौंदिया जागदिया मनुख दी चेतना कुछ तलाश कर रही है कुछ खोज रही है और सियाने ते कहंदे ने खोज दा ना ही मनुख है खोज नू ही मनुख कहंदे ने इते ठीक है कि बाकी जीवन दे अंदर भी खोज है पर सिर्फ रिजक दी खोज है सिर्फ रोजी दी खोज है पंछी भी सवेरे कुछ ना कुछ तलाश करन नू उडारियां मारन लग पेंदे ने दूर दराज तक जांदे ने पर तलाश करदे ने सिर्फ रिजक चौपाए जानवर भी भजे दौड़े फिरदे ने कुछ लभ रहे ने कुछ खोज कर रहे ने पर सिर्फ रिजक दी खोज कर रहे ने मनुख दी महानता अपने आप विच बहुत वड्डी है इन्ने सिर्फ रिजक दी ही खोज नहीं कीती राजक रहिंद दी भी खोज कीती है कला दी खोज कीती है ज्ञान दी खोज कीती है विज्ञान दी खोज कीती है जीवन दे बहु पक्ष मनुख ने खोजे ने खोज उस दिन संपूर्ण होंदी है जिस दिन संपूर्ण दी खोज मनुख कर लेंदा है उस तो पहले खोज अधूरी है ते अधूरी खोज अतृप्ति नु जन्म देंदी है इस वास्ते मनुख बहुत कुछ खोज लेंदा है पर तृप्त नहीं आउंदा पहाड़ां दे चों हीरे खोज लए ने सागर दे चों मोती लभ लए ने दरियावां दी खाक दे चों तरह तरह दे जवाहरात मनुख ने लभ लए ने धरती दे चों बहुत कुछ मनुख ने तलाश कर लिया है लेकिन मनुख दे जीवन रूपी धरती दे च भी बहुत कुछ है मत दे च भी बहुत कुछ है मेरे पातशाह फरमान करदे ने मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने कुछ औजार ते बैरूनी साधना दे नाल मनुख पहाड़ां दी खुदाई करदा है ते ओदे चों तरह तरह दी मैदनियात नू लभदा है पर जीवन दी खुदाई किवें करिए जीवन दे चों ए रतन किवें लभीए तो साहिब कहंदे ने जे एक गुर की सिख सुने तू गुरु दी एक सिख्या सुन तू गुरु दा शब्द सुन सुनदिया ही मत दे चों रतन प्रगट होणगे ज्ञान दे रतन सबर संतोख दे रतन खिमा निर्वैर भाव दे रतन आनंद दे रतन और इस तरह तेनू प्रतीत होवेगा कि तेरा जीवन तेरी मत रतना दी खान है इतनी वड्डी खान है कि जितनी गहराई दे खुदाई करदा चला जाएगा रतन प्राप्त होंदे जाणगे सौगात तेरी झोली विच वद्दी जाएगी मिलदी जाएगी तो मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने बार दी संपदा नु मनुख ने मुल दिता है अजे जीवन दे अंदर पई हुई संपदा नु मनुख ने मुल नहीं दिता मनुख ने इस नु अजे महान नहीं मनिया ओदा एक मूल कारण कि अजे उसदा इसने रस नहीं माणिया ते रस उदो ही माण सकदा है जदों प्राप्त होवे तो ए प्राप्त कर सके ए खोज कर सके इस वास्ते गुरु दी सिख्या दी लोड़ है गुरु उपदेश दी लोड़ है कि एदी चेतना इस दी खोज इस दी सुरत अंतर आत्मे विच गमन करे भगत पीपा जी दा फरमान है काया बहुखंड खोजते नौ निद पाई इस बहुखंडी काया दी मैं खोज कीती है गहरे तल विच ते खोजन दा इको एक ढंग है कि गुरु दा शब्द मनुख सुने
जितनी गहराई नाल सुनेगा, जितने ध्यान नाल सुनेगा, उतनी सुरत गहरी जावेगी और जितनी गहराई दिच जावेगी उतने रतन पदार्थ झोली दिच पैणगे। जैसे संख ते सिपियां इते सागर दे किनारे भी लब जांदे ने, पर मोती गहरे पानी दिच जाना पैंदा। शरीर दे उपर उपर ते काम है, वासना है, जीवन दे किनारे दे ते सिपियां ही पईयां ने, ए संख पै ने, ए घोगे पै ने। थोड़ा जिहा अंतर झात मारीए, गहराई दिच जाइए, तां ओ अदुती रतन पै ने जिस दे मिलदिआं ही मनुख दा जीवन धन धन हो जांदा है, संपूर्ण हो जांदा है। तो भगत पीपा जी कहिंदे ने, इस बहु खंडी काया दी मैं बहु प्रकार नाल खोज कीती, काया बहु खंड खोज ते नौ निध पाई, नौ खजानिया दी प्राप्ति हो गई, नौ रतना दी प्राप्ति हो गई। काया बहु खंज खोज ते नौ निध पाई, नौ कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। परमात्मा ने जो कुछ ब्रह्मंड दे छुपा के रखे है ओही पिंड दे छुपा के रखे, जो सागर ते पहाड़ा दे छुपा के रखे है ओही मत दे छुपा के रखे। लभना पेगा, गीटियां ते पत्थर ते पहाड़ा दे उपर भी मिल जाणगे, पर सोना चांदी हीरा खुदाई करके लभेगा, गहरे तल दिच जाना पेगा। और इतनी गल भी स्पष्ट है कि सारे पहाड़ा दिच सोना नहीं आउंदा, समूह सागर दे तल दिच मोती नहीं ने, पर जीवन दा तल ते मोतियां नाल भरे होया है, माणक नाल भरे होया है, रतना नाल भरे होया है। कोई भी मत इना रतना तो खाली नहीं, अगर कोई खोज करे तो ए नौ निधान झोली दिच आण के पैणगे, और मिलदे ही मनुख दी जिंदगी संपूर्ण होवेगी। पातशाह फरमान करदे ने, मत विच रतन जवाहर माणक। इस मत दे अंदर, इसे ही मन दे अंदर परमात्मा नाम दा रतन है, इसे ही मत दे अंदर सबर संतोख पे है, निर्वैर पे है। रब्बी गुण कोई बार नहीं ने, ते ना ही बाजार दिच मिलदे ने, ना ही किधरों बारों उपलब्ध हो सकदे ने। ये तमाम दैवी संपदा जीवन दे अंदर पईए, और ये अवसर मनुख अपने हथों गवा बैठता है। जीवन दा अंत हो जांदा है ते जीवन दी खुदाई नहीं करता, मत दे चों कुछ लभण दी कोशिश नहीं करता। मनुख दी मत ते ऐसा प्रकाश रख रही है जो परमात्मा दा ही प्रकाश है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन दे एक हिस्से नूं ही मत कहिंदे ने। जद विचारां ते फुरनियां दी दुनिया शुरू होवे उदों मत है, और जद गहरे तल दे च किसे नूं याद कर रहा होवे मन ही चित बन जांदा है। ये मन दे ही अंग ने, ये मन दे ही रूप ने। तो मन नूं खोजदिआं रब आखिर प्राप्त हो जांदा है। इस वास्ते मेरे पातशाह कहिंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। हे मेरे भाई, कोई ते इस मन दी खोज करे। ये ठीक है कि तन दी खोज करांगे, खून मांस हड्डियां मिंज, इस तो बिना होर कुछ नहीं मिलना। तन दे जितने भी गहरे तल दिश चले जाइए, मांस तो बिना, दुर्गंधी तो बिना, खून तो बिना, विष्टा तो बिना, मिंज तो बिना होर कुछ प्राप्त नहीं होना, हथे होर कुछ नहीं लगेगा। और साहब ऐसा कह भी नहीं रहे कि तन दिच खोजना है, नहीं, मन नू खोजो। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। खोजो इस मन नू, और इस मन नू जैसे खोजोगे नौ निधान दी प्राप्ति हो जाएगी, नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी। छेवीं पौड़ी रिच मूल उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज दा एही कि मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी
जे किधरे तू एक गुरु की सिख्या सुन लवे, गुरु का शब्द सुन लवे, ते तेरे जीवन दे अंदरों तेरे मन दे अंदरों नौ खजाने प्रगट हो जान। अनेका अनेका रतन तेरे अंदर छुपे पए ने, गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। गुरु कोल ते दरसल सूझ ही लेनी है, बूझ ही लेनी है, गुरा एक दे बुझाए गुरु दी लोड़ की है, क्यों है कुछ बूझ मिले कुछ सूझ मिले। संसार दी सूझ ते असी संसार तो लै लैने बारों लै लैने, धन की है रूप की है रंग की है पदार्थ की ने, ए सूझ ते सानू कदम कदम ते मिल जांदी है, मां बाप तो मिल जाती है, परिवार तो मिल जाती है, संसार तो मिल जाती है, पर उन्हां रतना दी बूझ जो मनुख दे अंतर आत्मे च पए ने गुरु तो बिना नहीं मिलने। इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच गुरु दी बहुत वड्डी महानता है, ते गुरु नानक ने जिस मार्ग नूं जन्म दिता उस मार्ग दा ना ही गुरु घर पै गया, गुरु मत पै गया। ते गुरु नूं मिले बिना प्रभु तक पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। गुरु मार्ग है, गुरु रस्ता है, इस वास्ते इस रस्ते का नाम ही पै गया गुरु पंथ। ओ पंथ ओ मार्ग जो गुरु ने बनाया है, जो गुरु ने ही संवारिया है शिंगारिया है, उसे ते चल के ही मनुख परमात्मा तक पहुंच सकेगा। तो गुरु कोल मंगना की है, आखिर मनुख दा मन अमंग ते हो नहीं सकदा, मंगना की है तो मंग ए मंगनी है, गुरा एक दे बुझाई हे गुरु बख्शिश कर एक बूझ बुझा, एक सूझ दे एक समझ दे, केड़ी बूझ केड़ी सूझ केड़ी समझ, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। जो सारे जीवां दा दाता है, जो सारिया नूं रोजी दे रहा है, ओ मैनू बिल्कुल भुले ही ना। जिसनू भुल जाइए संबंध टुट जांदे ने, जिसनू याद करदे रहिए संबंध जुड़े रहिंदे ने। मां बच्चे नूं भुल गई है बच्चे नाल संबंध टुट गया, बच्चा मां नूं भुल गया है मां नाल संबंध टुट गया, वड्डा भरा छोटे नूं भुल जावे छोटा वड्डे नू भुल जावे संबंध टुट गए। मित्र मित्र नू भुल जान तो भुलदिया ही संबंध टुट गए। जगत दे तमाम संबंध याद ते खड़े ने, चेते ते खड़े ने। घर देश जो पदार्थ पे है उदे नाल भी संबंध जुड़दा है, याद करके जो चेते च निकल गया है पदार्थ ओ भावे है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि याद दे चो निकल गया चेते दे चो निकल गया। जिस वस्तु नाल संबंध जोड़ना है उसका चिंतन उसका चेता बड़ा लाजमी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो चित दे चो निकल गया संबंध टुट गया, जो याद दे चो निकल गया रिश्ता टुट गया। गूढ़े तो गूढ़ा रिश्ता वड्डे तो वड्डा रिश्ता भी याद ते खड़ा है। जिसनू जितना ज्यादा याद करिए उतना गहरा संबंध जुड़ता है, उतना गहरा रिश्ता जुड़ता है। तो परमात्मा ते व्यापक है, सर्व व्यापक है, रोम रोम दे च व्यापक है, और इस नाल संबंध जुड़ सकता है याद करके। एक मनुख कोल बैठा हुंदा है ते असी कह देने हां पुछदे हां भई ये जिहड़ा कोल बैठा है ये कौन है थोड़ा की लगदा है, ते मनुख बोल पैंदा है ये ते कोई दूर दा जापदा है। तो दूरी ते दो फुट दी भी नहीं है, कोल बैठा है बिल्कुल कोल बैठा है, और मनुख कह रहा है दूर दा जापदा है। एक ऐसे मनुख दा ना लिया गया जो गालबन 5000 मील दी दूरी ते रहिंदा है, ते जैसे नाम लिया गया एकदम सुनन वाला खिड़ उठया प्रसन्न हो गया ते कहन लगा ओ ते साडे नेड़े दा है। 5000 मील दी दूरी ते रहन वाला नेड़े दा है, कोल बैठा होया दूर दा है।
परमात्मा बहुत निकट है, बकौले भगत रविदास कह रविदास, हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। ए हाथ भी दूर हो सकते हैं, उते रोम रोम देच, उते व्यापक है, लेकिन दूरी क्यों है? याद देच नहीं, कोई संबंध नहीं, उसका चिंतन नहीं। तो उस परम शक्ति नाल जो सड़े रोम रोम देच व्यापक है, ते दैवी आनंद दी मालिक है, दैवी संपदा दा जो महान खजाना है, जो गुण निधान है, सड़े रोम रोम देच व्यापक है, लेकिन सड़े चेते चो निकल गया, सड़ी याद दे चो निकल गया, सड़े चिंतन दे चो निकल गया। इस वास्ते कोल होंदा होया भी दूर है, और इतना दूर है कई दफा मनुख ने कह दिता है कि उते सतवें आसमान दे, उते सतवें पाताल दे छे। दरअसल जिस नाल कोई संबंध नहीं, जिस नाल कोई याद दा रिश्ता नहीं, उते है ही दूर। ते जिस दिन परमात्मा दी याद अंदरों चल पैंदी है, ते गुरु ए बूझ बुझा देंदा है, उस दिन मनुख नूं पता चलदा है कि हथ भी दूर है, उते इस तों भी नेड़े है। कहो रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोहोई, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उते तेरे विच है, उते तेरे अंदर वसे होया है। तो गुरु कोलो ए बूझ लेनी है, गुरु कोले सूझ लेनी है, ते ए अरदास करके ही मंग सकांगे, ए बेंती नाल ही प्राप्त कर सकांगे। गुरु ते हुक्म नहीं चल सकदा, नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चले, अरदास तो गुरा इक दे बुझाई, सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई। जो राजिक रहिंद है, रोजी दहिंद है, जर्रे जर्रे दी जो पालना कर रहे है, ओ मैनू भुले ना, ओदी याद बनी रहे, और उसकी याद ही जीवन दे चो अनेकां रतना नू प्रगट कर देंदी है, दैवी संपदा नू जन्म दे देंदी है। जिथे प्रभु चिंतन है, उथे प्रभु आनंद है, जिथे प्रभु विसर गया है, उथे सारे दुख ने। जिथे परमात्मा दी याद है, उथे परम प्रकाश है, ते जिथे परमात्मा भुल गया, उथे ते मसिया दी रात, उथे ते भटकना है, उथे ते ठोकरां ने। और कितनियां ठोकरां ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। परमात्मा नू भुल जाइए, चेते चो उसनू कढ दईए, तां कोई एक रोग थोड़ी व्यापदा है, अनेकां रोग शरीर नू आके लगदन, मन नू आके लगदन, सारी जिंदगी दोजक बन जांदी है। उसकी याद ही जीवन नू स्वर्ग बना देंदी है, और उसनू भुल जाना ही नरक बन जांदा है। इस वास्ते साहब सानू मंगण दी जाच सिखांदे ने, गुरु कोलो की मंगना है, गुरा इक दे बुझाई, सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर ना जाऊं।